लेके पाए अते कट्टड़ हिंदू अते कट्टड़ मुसलमान विचारधारा नूं प्रोत्साहित कीता। 1857 दे गदर विच भी कट्टड़ हिंदू ते कट्टड़ मुसलमान अंश ही पारू रहे अते उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नूं अपना नेता मन्या, जदों के उस वेले सिख राज केंद्री मुख अते शक्तिशाली राज बन चुका सी अते मुगल राज अमली तौर ते खत्म हो चुका सी। जे वह महाराणी जिंदा ते महाराजा दलीप सिंह नूं नेता मनदे तां शायद भारत दा इतिहास कुछ होर होणा सी। भारत नूं आजाद कराउण विच वी सिखां ने केंद्री भूमिका इसे गल तों स्पष्ट हो जांदी है कि 80% तों वध फांसी लगण वाले सिख ही सन। विदेशी सिख सही इतिहास नूं दुबारा लिखवाण अते खास करके महाराजा दलीप सिंह दे इतिहास बारे सही तस्वीर पेश करके संसार पद्धर ते सिखां बारे भरम भरम भुलेखे दूर करन विच सहाय हो सकदे हन। महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब तों बाहर आके बाकी दे संसार नाल राबता कायम करन दा यतन कीता। सानू गुरु ग्रंथ साहिब नूं विकास दे बदलवे नमूने वजों पेश करना चाहीदा है। अपनी इतिहासक ते विचारधारक बेन बारे सही ढंग नाल बाकी दे संसार नूं जाणू करवा के असीं सिखां नूं ढुकवां ते सत्कारक संसारक स्थान दवान विच सहाय हो सकदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर सरदार सिंह ने विदेशों में बैठे सिख किस तरीके नाल पटकवा अपन मुख दवा सकते हैं बारे विचार दिते ने। हुण भाई साहब भाई पंजाब सिंह पिंडल 20 मिनट वास्ते रखण दे प्रोजेक्ट राही अपना स्लाइड शो दिखाउणा शुरू कर दिया। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ
गुरु साहब के उत्ते ढाए गए सन वो सुन नहीं सकते सी असी सोच भी नहीं सकते दस भी नहीं सकते पर उन्होंने उस वेले लाहौर सी ए फर्स्ट यूरोपियन अकाउंट है जिन्हें दसिया इन दैट वे देयर गुड पोप डाइड ओवरवेलम्ड बाय द सफरिंग्स टॉर्मेंट्स एंड डिसऑनर्स ये गल चलती रही बाद भी भाई कान सिंह नाभा नूं लिखना पै गया सिक्स वी आर नॉट हिंदूस क्योंकि जो वो जड़ सी वो कॉन्फ्लिक्ट सी अजे तुरदी आ रही है तुसी रीसेंट कॉन्टेंपररी टाइम्स दे विच जाओ जिथे सिख सिद्धांत यह कहता है नो यू नो मी बट वी ना तू ना मैं पर असी उत्थे जो फादर ऑफ नेशन जो हिंदुइज्म दे रिप्रेजेंटेटिव है मोहनदास करमचंद गांधी वो जो लंगर की एकता और पंक्ति सी पंगत सी उहदे बारे कहिंदे ने सो फार एज द सिख किचन इज अ कंसर्न इट्स अ मैनस वैदर द सिख्स मे बी रिगार्डड एज हिंदूज और नॉन हिंदूज फिर असी आइए अटैक ऑन अमृतसर जिदों ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया भूमि ने पुत्रां नूं जड़ां तों खेल दीआं कोशिशां ਇਹ ਅਟੈਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੋਏ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਵੀ 1984 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀ ਮੀਡੀਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋਇਸ ਮੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਨ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਫਲਿਕਟ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਖੜੋਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੋਇਸ ਪੈਟਰੂਪਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਓ ਹੈਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 26, 1982 ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਸਨ ਉਹ ਲਾਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਫੜੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਏ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅ ਸਿਟੀ ਦੈਟ ਨੈਵਰ ਸਲੀਪਸ ਵਾਸ ਡੈਡ ਸ਼ਾਪਸ ਵਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹਿੰਦੂਸ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਅਲਾਈਕ ਲੌਕਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਹਿੰਦੂਸ ਫੌਟ ਪਿਚ ਬੈਟਲਸ with the Sikhs outside the Golden Gate precincts. Opposition nu kathiyan karke Indira Gandhi ne resolution pass kar ditta aur Sikhan de khilaf ek consensus Hindustan de vich build up shuru honi hogi aur eh jo consensus si jo Sikhan da reputation si jehde rail gaddiyan bussan de vich sardar nu pag nu vekh ke jo loki satkar karde san ਜੋ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜੋ ਸਰਚਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਪੈਕਬਲ ਰੈਕਰਡ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1987 ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ IAS ਅਫਸਰ ਜੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ
हिंदुस्तान दे विच सिख बिकेम द नेशनल एनमी ऑफ इंडिया, नेशनल एनमी ऑफ द हिंदूज। इतों सानू पता होना चाहिए कि साड़ी जो डीलिंग है वो किस 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 सोच के नाल साड़ी डीलिंग चल रही है। जेडे अफसर उत्थे काम करते हैं यहोजे मनमोहन सिंह अगे एम के ताज ने ओपन सीक्रेट्स लिखी है, उन्हें कहा भी साढ़े कोई चारा नहीं। आई पी का नंबर दो का बंदा कह रहा कहता गवर्नमेंट ही काम करना, माफिया ही काम करना है। इको इको दो तरीके बाहर निकलते ये चक्कर चो, चाहे तो गोलियां खाओ, चाहे किसी सुनी सड़क के उत्ते ट्रक लिया के ताडे उत्ते मार देंगे। सो इस दबदबा थले ये जो गलत काम है सेंट्रल गवर्नमेंट करवाई है। एम के धार ने फिर भी कहा कि मैं परसनल तौर पर इंदिरा गांधी ने सद्या और मैंने कहा भी मैं तेरे तो कुछ डर्टी जॉब्स सेंटर वालों करवाने हैं। आप लिख रहा कि किस तरीके से मैं सेंटर वास्ते डर्टी जॉब्स किए। हम सवाल उठता है कि ये गावों के सिर वढ़ के उत्थे रखने एम के धार अगे बंदियों के डर्टी जॉब्स हैं। फिर असं गांह चल रहे हाँ हिंदुस्तान तो बाहर आइए। संगत सिंह लिखते हैं कि जदों दरबार साहब के उत्ते अटैक होया कहता मैं गवाह हाँ, मैं अफगानिस्तान के विच सी, गवर्नमेंट का वो इंटैलीजेंस ऑफिसर सी, कहता भी हिंदुओं ने उत्थे अफगानिस्तान के विच मठियाइयां वंडियां। सो ये जिहड़ी साडी कॉन्फ्लिक्ट है ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। इहदे विच तुसी अफगानिस्तान तो बाद तुसी बाहर आ जाओ। अमेरिकन एसोसीएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन एसोसीएट इंडियन ओरिजिन, पढ़ी लिखी जथेबंदी डॉक्टरों की, उन्हां दी 2004 दी कन्वेंशन जिहड़ी सैनडिएगो हुई आ उहदे विच जिहड़ी उन्होंने सल्यूट की आ कि साडे आ हीरो ने बंदे अडवाणी तो लैके सारे एक्ट्रेस, ये 2004 की गल आ खालसा जी, उन्हां दा हीरो बाहरले डॉक्टरों का जो मजोरिटी हिंदू कम्यूनिटी नूं बिलोंग करते हैं जगदीश टाइटर भी है। सो गल आपां करदे हां कि किस सोच दे नाल साडी लड़ाई चल रही है, फिर असीं गां बढ़ सकते हाँ। हिंदू कॉन्फ्रेंस ऑफ कैनेडा उन्हों का जो डायरेक्टर है उन्हें कनेडा को हिदायत दी है, प्राइम मिनिस्टर को लॉबी की है कि तुहानू इंडिया